गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक संघवाद लेकर आया हूँ। जो पिछले कक्षाओं में आपको बताया गया था कि संघवाद क्या है, संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें तीनों स्तर की सरकारें काम करती हैं, उसे हम संघवाद कहते हैं। लेकिन भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों के विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार को। हमारे बीच एक ग्रामीण सरकार होती है जो तीसरे स्तर की सरकार होती है, जिसके अंदर मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद प्रमुख इत्यादि आते हैं। लेकिन ये कानून नहीं बनाते, सिर्फ अनुपालन करते हैं। ये कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है, कानून का निर्माण करती है, उसके लिए संविधान में तीन सूचियां दी गई है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी, राजनीतिज्ञों के लिए भी एक अच्छा विषय है कि आप राजनीति संघ शिक्षित के बारे में जानेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो ये संविधान में तीन सूचियां दी गई है जो आपके बोर्ड पर अंकित है, वो है संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची। अब हम ये जानेंगे कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से कागज आते हैं, कौन कौन से मामले आते हैं और राज्य सूची के अंदर कौन से मामले आते हैं, समर्थित सूची के अंदर कौन से मामले आते हैं। आइए, संघ सूची के अंतर्गत जो आते हैं, सुरक्षा वित्त संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व को रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, चला सकती है। दूसरा, राज्य सूची जो राज्य स्तर पर होती है, वो है कृषि, भूमि, पुलिस आदि होते हैं, जिस पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है। आइए, तीसरा है समर्थित सूची, जो सबसे महत्वपूर्ण सूची है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ विषयों पर दोनों सरकार कानून बना सकती है। शिक्षा जो आरटीआई के तहत, इसमें विश्व से भी, विदेशों से भी पैसे आते हैं। जो आपके पारा शिक्षक संघ जो भी चल रही है, उसमें से आपको पता होगा कि 60% कुछ, अगर इसमें त्रुटि हो माफ कीजिएगा, 60% या 40% गवर्नमेंट केंद्र सरकार देती है और बाकी राज्य सरकार देती है, जो शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए। उसी प्रकार से स्वाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बीच जो पोलियो खुराक इत्यादि जो विभिन्न बीमारियों से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, जैसे अभी एक कोरोना वायरस जो हमारे तत्कालीन बीमारी है, इसे निपटाने के लिए विश्व स्वास्थ्य सेंटर जो है, संगठन जो है, वो हमें मदद करती है। तो ये समर्थित सूची के अंदर आते हैं। कुछ विषय पर दोनों सरकार होती है जो समर्थित सूची के अंदर आते हैं, लेकिन कभी कभी यदि दोनों सरकारों में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अगर मतभेद होती है, दोनों में कुछ टिकट इतनी होती है, तो केंद्र सरकार का ही मान होती है। लेकिन उसमें एक और बिंदु है, ध्यान देंगे दोस्तों, कि अगर राज्य सरकार कोई भी कानून को बनाती है और इन केस उस कानून पर, उस विषयों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते हैं, तो वह कानून सर्वमान्य माना जाता है। तो ये हमारे है संघवाद के नियम, और ये संघवाद के तहत हमारे लोकतंत्र चलती है, हमारी सरकार चलती है। तो ये तीनों सूची आप याद रखेंगे। आपको इसमें, मैं खास करके विद्यार्थीगण से कहेंगे, ये क्लास एट का ही पहला चैप्टर संविधान से लिया गया है, जो आपके टॉपिक है संघवाद। उसमें से आपको प्रश्न आएंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची को अलग अलग सूची में दिए गए शब्दों को छापे और उसे अंकित करें, तो दोनों मिला के तीनों देंगे कि कौन इसमें संघ सूची है, कौन इसमें राज्य सूची है और कौन इसमें समर्थित सूची है। तो आपको ध्यान देना होगा कि हमें राज्य सूची में कौन सी चीज है, समर्थित सूची में कौन सा चीज है, ये इस पर आप निगाहें गड़ा कर देखें, गहरी चिंतन करें और इसे याद भी करें। ये आपके लिए बहुत आगे दिनों के लिए, सिर्फ विषयों के लिए नहीं बल्कि अन्य दोस्त भी इसे, अन्य हमारे शिक्षाविद लोग इसे भी देख सकते हैं और इसे ग्रहण कर सकते हैं। आज इस बिंदु के साथ मैं अपनी आज की क्लास से पीरियड को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।